Geeta Lunot and welcome to my YouTube channel The Learning Medico. So let's begin with our pathology lecture. तो inflammation के first part में हमने देखा था definition of inflammation, signs of inflammation जो कि है rubor, tumor, dolor, calor and loss of function. और हमने देखा था acute inflammatory response जिसके होते हैं दो events, वैस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ उसकी, पहले जाके वो वीडियो देखिए और फिर उसके बाद देखिए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. अगर आपको अक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं समझा हो तो आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नहीं समझ पाओगे आप. तो लेट्स बिगिन. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन? इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. जब अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्योर नहीं हो पाता तब होता है लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वेयर टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन अकर्स एट द सेम टाइम. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों साथ में होते हैं, इसलिए इसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है. अब इसके होने के थ्री वेज है. फर्स्ट वे, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन. अगर किसी को एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो चुका है और टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है और भी, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर रहा है इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, तो उससे हो सकता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. व्हाट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी? रिकरेंट अटैक ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन. जब अभी कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गया और वो पेशेंट क्योर हुआ और फिर से उसे वही इन्फ्लेमेशन हो जाए, कंटिन्यूसली अकर होता है बार बार एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तब उसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है. एंड व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्टिंग इन दे नोवो. मतलब जो इन्फ्लेमेशन है वो स्टार्टिंग में ही क्रोनिक कैरेक्टर का हो. जैसे अगर किसी माइक्रोब ने कॉज किया हो तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर इम्यूनिटी कॉज इन्फेक्शन भी हो सकता है. जब इन्फ्लेमेशन क्रोनिक कैरेक्टर का हो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग तो हम उसे बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. सो हमने देखा डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन विच इज लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. इसमें क्या होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों साथ में होते हैं और बहुत ज्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एज कम्पेयर टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन. और इसके थ्री वेज है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन. सेकेंड क्या है, रिकरेंट अटैक ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड व्हेन द इन्फ्लेमेशन इज ऑफ क्रोनिक कैरेक्टर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज द थर्ड. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के टाइप्स क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दो टाइप्स है, क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस इन्फेक्शन. क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन में जब जो इरिटेंट है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बताता है तो हम उसे क्रोनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. इसके हम एग्जाम्पल्स हम सिस्टमिक में देखेंगे प्रॉपरली विथ पर्टिकुलर सिस्टम. Now let's go to chronic granulomatous inflammation. अब chronic granulomatous inflammation is characterized by the formation of granuloma. अब granuloma होता क्या है? Granuloma is a circumscribed tiny lesion 1 mm in diameter. इसकी diameter कितनी है? 1 mm in diameter. And it is made up of epithelioid cells से बना हुआ है. क्या है ग्रैनुलोमा? सर्कमस्ट्राइड टाइनी लेजन्स होते हैं, 1 mm के डायमीटर के होते हैं. अब ये ग्रैनुलोमा वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, ग्रैन्यूल विच मीन्स ग्रैन्यूल लाइक लेजन्स, मतलब छोटे छोटे लेजन्स रहते हैं बॉल लाइक, और ओमा, ओमा मतलब हम पता है ट्रू ट्यूमर होता है, पर यहाँ पर ये इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेटरी मास. तो क्या देखा हमने, क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन जिसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा. अब ये ग्रैनुलोमा फॉर्म कैसे होता है हम अभी देखेंगे. ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, ग्रैनुलोमा टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से फॉर्म होता है. पहले होती है सेल इंजरी. सेल इंजरी के बाद जो भी एजेंट है जिसने इंजरी कॉज की है, जो माइक्रोब है
वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो वीक होता है, उसके बाद माइक्रोफेजेस का एक्टिवेशन होता है, फिर भी जो इंजूरियस एजेंट है वो परसिस्ट करते हैं, वो रहते हैं। उसके बाद जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है उसे एक्टिवेट किया जाता है एंड द पुअरली डाइजेस्टिबल एजेंट्स। उसके बाद होता है टिश्यू माइक्रोफेजेस का एक्टिवेशन एंड प्रोलिफ्रेशन ऑफ टी सेल्स, ताकि टी सेल्स बहुत ज़्यादा हो और फिर हम जो भी एजेंट है उसके साथ फाइट कर पाए। देन द माइक्रोफेज एक्टिवेशन इज बाय IFN, IFN मतलब इंटरफेरॉन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी वजह से माइक्रोफेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एपिथेलॉइड सेल एंड ऑल्सो जायंट सेल, और सिक्रीशन ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक साइटोकाइनिंस भी होता है जैसे इंटरल्यूकिंस, और द एंड द फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल दिस इज द ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। ग्रैनुलोमा बहुत ही टाइनी टाइनी लेजन्स रहते हैं हमारे जो भी पार्ट जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए वहां पर। सो दिस वॉज द ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। आप इसे फ्लो चार्ट में लर्न करोगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रैनुलोमा, मतलब ग्रैनुलोमा में होता क्या है। फर्स्ट इज द एपिथेलॉइड सेल। एपिथेलॉइड सेल हमने देखा था दैट द माइक्रोफेजेस आर कन्वर्टेड इनटू द एपिथेलॉइड सेल्स, सो इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द माइक्रोफेजेस। व्हाट इज मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स? मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स आर द एग्रीगेशन ऑफ मेनी एपिथेलॉइड सेल्स, इट मे कंटेन 20 और मोर न्यूक्लियस। व्हाट आर द लिम्फोइड सेल्स? अभी हमने देखा इट इज अ सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन, और हमने ये भी देखा ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में कि इट इज अ टी सेल जो है वो एक्सट्रीमली प्रोलिफरेट करते, सो दीज आर द लिम्फोइड सेल्स। नेक्रोसिस इन सम ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इट मे बी सी, एंड द फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस इज यूजुअली सीन ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस व्हेन द व्हिच आर सीन बाय द फाइब्रोब्लास्ट एट द पेरिफेरी। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन कि आज हमने क्या देखा। हमने देखा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन विच इज एन लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन जिसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन साथ साथ होता है, और हमने देखा कि ये क्यों होता है, थ्री वेज इसके अकरेंस के। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, persistent recurrent attack of acute inflammatory response, and the chronic inflammation which is chronic in character right from the beginning. उसके बाद हमने देखी types of chronic inflammation, उसमें देखा हमने chronic non-specific inflammatory response inflammation and chronic granulomatous inflammation. क्रोनिक ग्रैनुलोमाटस इन्फ्लेमेशन में हमने देखा ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, जो मैंने बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया, और हमने उसके बाद देखा मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रैनुलोमा। सो दैट्स इट फॉर द डे। होप यू लर्न द टॉपिक वेल। इफ सो देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो टेल मी ऑन विच टॉपिक डू यू वॉन्ट माई नेक्स्ट वीडियो ऑन। थैंक यू। Please do subscribe to my channel, The Learning Medico, and click on the bell icon to get all the notifications.